मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।